How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, we are going to do unit number 8 from your exam-oriented litho. So, open your English exam-oriented litho and in this unit number 8. 7 and 6 we have already completed in the previous video. And let's see what is the name of this little turtle. Question number 1 is, write the correct option A, B, C or D in the box. See, what you have to do, you have to read with me one word, okay? Number 1 is, a turtle dash. Turtle kya karta hai? Walks, hops, crawls or run. Have you ever seen turtle is running? Hamari tarah turtle dorta hai, aisa humne dekha hai? Nahin. वो हम बोलते हैं कि वो चल रहा है, लेकिन जो चलता है ना उसका एक स्पेशल नाम है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉल्स. जैसे हम जो है वो अपने चार पैरों से चल सकते हैं, नो, विथ टू लेग्स, सो इट इज वी कैन से वॉकिंग. एंड क्रॉल मींस जो भी अपने फोर लेग्स से अपना जो स्टमक है वो लैंड से ऐसे टच करता हुआ चलेगा. जैसे देखो लिजार्ड होती है, स्नेक होता है, फिर ये टर्टल है, क्रोकोडाइल है, वो सब क्या करते हैं देखो, वो जैसे चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉल्स. आई बात समझ में? लेकिन जो डॉग काउ वो है उसको हम क्रॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके लेग्स बहुत लंबे होते हैं, वो लैंड को टच नहीं करते, राइट? डॉग्स है वो, काउ डॉग ऐसे जो एनिमल्स है वो लैंड से हाई होते हैं क्योंकि उसके लेग्स बहुत बिग बिग होते हैं, राइट? लेकिन ये लिजार्ड है, फिर टर्टल है, क्रोकोडाइल है, वो जो है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉल्स. Now number 2, what does the turtle carry on its back? Turtle है वो अपनी back पे क्या carry करता है? Baby, tail, food or house. So we will say turtle carry house on its back. Turtle जो है ना वो उसकी back पे house carry करता है. Now number 3, what is a turtle's house called? Turtle का जो घर है उसको क्या बोलेंगे? Shell. क्योंकि जो टर्टल है, हम ऐसा कैसे हो सकता है कि शेल को उसका घर बोलेंगे? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि आप उसको थोड़ा सा ऐसे टच कर लेते हो तो अपना हेड और ये लेग्स होते हैं वो उसके अंदर छुपा लेता है, राइट? हमको सिर्फ उसका शेल दिखता है, उसका हेड भी नहीं दिखता है, मतलब कि वो अपने घर के अंदर छुप जाता है, इसलिए शेल को घर बोला गया है. व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड? शेल. नाउ व्हाट वाज टाइगर डूइंग? आपको पता है वो जो स्टोरी थी मॉस्किटो एंड द टाइगर में, टाइगर क्या कर रहा था? सिटिंग अंडर अ ट्री, क्या वो ट्री के नीचे बैठा था? या क्लाइंबिंग अंडर अ ट्री, या डोजिंग अंडर अ ट्री, और डोजिंग इन अ केव, क्या वो गुफा में डोजिंग कर रहा था, गुफा में सो रहा था, या ट्री के नीचे सो रहा था? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, dozing under a tree, right? So this is option C. Here you have to write. Now number 5, a mosquito came dash. Mosquito कैसे आया? Mosquito क्या करते हुए आया? जब mosquito आता है तो उसकी voice कैसी होती है, आप उसको क्या बोलोगे? Buzzing, right? We will not say roaring. Mosquito कभी roaring नहीं करता, वो lion tiger करते हैं, chirping birds, right? So buzzing जो है वो मॉस्किटो कर रहा था. अ मॉस्किटो केम बजिंग. नाउ व्हाट डिड दी मॉस्किटो से? मॉस्किटो ने क्या कहा टाइगर को? आई विल गो अवे, मैं क्या चला जाऊंगा? आई एम सॉरी, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मॉस्किटो ने यही बोला था कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ. अफ्रेड ऑफ मतलब डरना, नॉट अफ्रेड ऑफ मीन्स नहीं डरना. I am not afraid of you. Now the tiger's paw struck dash. Tiger का जो पंजा था वो कहाँ पे लगा उसको? The mosquito's cheek, क्या मच्छर के गाल पे लगा? The mosquito's head, क्या मच्छर के सर पे लगा? या तो his own cheek, उसके खुद के गाल पे ही लग गया, his own head, या उसके सर पे लगा. तो जब उसने पो स्ट्रक किया, सो हिज ऑन चिक, राइट? द टाइगर्स पो स्ट्रक हिज ऑन चिक, उसके खुद के गाल पे ही लग गया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज.
क्वेश्चन नंबर टू इज सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट. मीन्स यहाँ पे क्या करना है, यू ऑल नो व्हाट टू डू. थ्री वर्ड्स आर सेम, ओनली वन वर्ड इज डिफरेंट, सो दैट यू हैव टू सर्कल. नाउ लुक एट हियर, क्यू यू ए सी के क्वेक, क्यू यू आई सी के क्विक, क्यू यू डबल ई एन क्वीन, सी ए के ई केक. सो हियर वी कैन सी क्यू यू क्यू यू क्यू यू, राइट. इन ऑल थ्री वर्ड्स द सेम लेटर्स आर गिवन, ओनली इन दिस वर्ड इट इज नॉट गिवन सर्कल. नाउ ब्रेड बी ड्रेड हैड, सो विच वर्ड इज डिफरेंट. Here beep is different, so you have to put circle. Now K double E P keep, K I C K kick, K I N G king, and K I D kid. Kid, king, kick, and keep. So which word is different? K double E P keep, right? So here you have to do circle. Now merry, cherry, sorry, and loudly. So here also we can see double R Y, double R Y, double R Y. Only in this word it is not given, so this word is odd. Now see over here, write one word that rhymes with the given word. Here one blanks are extra, so here you are not going to write. What is the heading? One word. आपको एक word लिखना है. See S A W, saw. D R A W draw. Now L double O K look, B double O K book, H O U S E house, M O U S E mouse, F I R E D fired, tired. Now C R O W N crown, D O W N down, glow, flow. Understand? This way you have to write the rhyming words. Means same words. See yahan pe dekho A W A W. Now here double O K. Here also double O K. O U S E. So here also you can see O U S E. House, mouse. Right? So these letters, these words are same rhyming words. Now question number 4. That also you have to read with me. See, मैं यहाँ पे सिर्फ पेन रख रही हूँ, आपको आपके फिंगर रख के मेरे साथ साथ रीड करना है. Fill in the blanks using the words given in the box. First is A N G R Y angry, C H double E K cheek, H E L P help, L E double S less helpless, P R O U D proud, G R E A T great, B U double Z I N G buzzing, T I G E R tiger, a dash was dozing under a tree. Who was dozing under a tree? Tiger. So here it is written tiger, T I G E R tiger. A tiger was dozing under a tree. Now number 2. A mosquito came dash by. कैसे आया था mosquito? क्या करते हुए? Buzzing. So here it is written, a mosquito came buzzing by. Number 3, everyone is great in his own way. The mosquito said, don't be so dash. Mosquito ने क्या कहा था? क्या मत बनो? Proud, right? Don't be so proud. अभिमान मत करो. The tiger was dash, he walked away. Tiger कैसा हो गया इसलिए वो चला गया. The tiger was helpless, he walked away. The paw struck the tiger's cheek, right? जैसे ही उसने अपना पो मारा mosquito को, तो उसके खुद को गाल को ही लग गया. The tiger was dash, he hit out with his paw. He hit out with his paw. So, टाइगर कैसा हो गया था? जब मॉस्किटो उसको परेशान कर रहा था, टाइगर वॉज एंग्री, राइट. द टाइगर गुस्सा हो गया था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
Again, you have to read with me. Come on, start reading. Look at the pictures and write their names with the help of the words given in the box. So here, you can see some words in the box, right? So let's read all the words. T-I-G-E-R, tiger. L-A-M-P, lamp. K-I-N-G, king. Q-U-E-E-N, queen. S-T-I, C-K, stick. P-A-P-E-R, paper. G-R-A-P-E-S, grapes. P-L-A-N-T, plant. S-O-C-K-S, socks. T-O-W-E-L, towel. M-O-U-S-E, mouse. G-O-A-T, goat. So the first picture, which picture is this? Got. And the spelling of goat is here. G-O-A-T, got. Now, which picture is this? This is the picture of king. And where is the spelling of king? Here. K-I-N-G, king. Now, what is this? This is a lamp. The spelling of lamp. L-A-M-P, lamp. It is over here. Now, what is this? Tiger. The spelling of tiger is T-I-G-E-R, tiger, the first one. Now, what is this? It is a plant. P-L-A-N-T, plant. So, where is the spelling of plant? Here. Now, what is this? Socks. S-O-C-K-S, socks. That is also given, right? Agar aapko nahi aata hai, so you can help from the box, right? You can take help from the box. Now, what is this? Who is? Which picture is this? Queen, right? Yahan pe king diya hai, yahan pe queen hai. Q-U-E-E-N, queen. It is here, so you can tick mark. Now, stick. S-T-I-C-K, stick. Jo chhadi hoti hai na, it is called stick. Now, it is a paper. The spelling of paper is P-A-P-E-R, paper. Now, what is this? Towel. The spelling of towel is T-O-W-E-L, towel, right? So, here you can do tick mark. Now, what is this? We can say rat also. But rat to yahan diya nahi hai. Mouse is given. M-O-U-S-E, mouse. And last is G-R-A-P-E-S, grapes. Jo bacha hoga, wahi hoga. Understand? G-R-A-P-E-S, grapes. Now, let's see the next page. Now, it is unit number 9 and the name is clouds. Let's see question number 1. In that, write the correct option A, B, C or D in the box. It is also same MCQs we say. What is the color of the sky? Sky ka color kya hota hai normally, right? Jab simple day ho, to aap kaun se color ka sky dekhte ho? Blue. Have you ever seen sky is green? Black, white, sometimes we see white also, but the color of the sky is blue. Agar aapko kahin par bhi bole koi ke sky ka color karo, to aap kaun sa color loge haath mein? Blue color hi loge. White to hum clouds ko bolte hai, right? So that is option A. Now what do the clouds bring? Clouds hai, wo kya laate hai? Bring, what is the meaning of bring? Bring means lana. Light, cold, rain, heat. जो clouds होते हैं वो rain लाते हैं. क्या लेके आते हैं? Rain. So here you have to write option C. Now, what do the children do when it rains? बच्चे क्या करते हैं जब बारिश आती है तो? What do the children do? Sing and dance, cry, sleep or study. बच्चे जो है वो क्या करते हैं? Sing and dance करते हैं जब बारिश आती है तो. Now number 4. What did Anandi see in the sky? Anandi ने sky में क्या देखा? Stars, moon, rainbow और clouds. Anandi ने आकाश में rainbow देखा. क्या देखा? Rainbow. Which option is correct? Option B. What did Anandi see in the sky? Rainbow. Now the next one. How many colors does the rainbow have?
रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? द रेनबो हैज 7 कलर्स, राइट? सो हियर इट इज ऑलरेडी रिटन ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन? रेनी सीजन में आप स्काई में क्या देखते हो? स्टार्स, मून, सन, ये तो नॉर्मल ऑल डेज में होता है. रेनबो, राइट? समटाइम्स वी सी इन रेनी सीजन. व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन? जो बादल बारिश लाते हैं उसका कलर कैसा होता है? येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू. सो वी से द ब्लैक कलर्स क्लाउड ब्रिंग रेन, राइट? सो हियर ऑप्शन नंबर सी यू हैव टू टिक. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 8 एंड सम एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 9 दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. रीड इट एंड लर्न इट. ओके, आपको याद भी रखना है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.